खाद की दुकानों की जांच के दौरान एसडीएम सदर सतप्रीत सिंह के द्वारा पाया गया कि एक हॉस्पिटल जो कि अवैध रूप से संचालित है उनके द्वारा जांच की गई तात्कालिक मौके पर, और एसडीएम सदर ने ये पाया है डॉक्यूमेंट्स में कि ये ना कोई पंजीकृत हॉस्पिटल है ना कि इसके संचालनकर्ता का कोई डिग्री है। इस संबंध में मेरे द्वारा भी पड़ताल की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि तात्कालिक तौर पर इसे सीज कर दिया जाए, जो सीएमओ से बात करके सभी आवश्यक धाराएँ लगाई गई हैं। सर, इस तरीके के जिले में कई हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं अवैध तरीके से, तो आगे किस तरीके की रणनीति के तहत कार्रवाई की जाएगी जो बचे हुए हैं जिले में? जी, मीडिया बंधुओं के द्वारा भी इस संबंध में निरंतर शिकायतें मिलती रहती हैं और आज यह तथ्य सामने आया भी है। मैं यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि एसडीएम सदर और अन्य सभी उप जिलाधिकारियों के माध्यम से पूरे जिले में एक अभियान चलाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।